हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेटअप। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज द हिंदू में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ऐड देते हैं इतना न्यूज़पेपर में ना कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है उसको लेकर के काफ़ी चिंता की विषय जताई गई है। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों की डेथ भी हो गई है। अभी दूसरा जो हमारा आर्टिकल्स है, इसमें इसमें आरबीआई ने क्या किया है कि अपने लोन को जो है कि क्या बोलते हैं, बैंक रेट को काफ़ी मतलब इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन। हमने कई बार डिस्कस किया, क्योंकि आरबीआई जो होती है, आरबीआई ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के होती है और सेकेंड जो होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है मित्रों। फिर इसके बाद इसी को कंट्रोल करने के लिए देखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2016 में। आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 2016 में अमेंडमेंट करके यह किया गया। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक एक्ट के अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों, ये छः लोगों का एक ग्रुप है, इसमें तीन जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, तीन जो है कि आरबीआई के होते हैं। और सॉरी, ये डिसीजन जो है कि मेजॉरिटी से लिया जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट डिसीजन आया है 4-2 से निकल करके आया है कि नहीं, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना चाहिए, तो इंक्रीज किया गया। तो इसके पीछे जो रीजन दोस्तों दिया गया ना, 4 से 5 दिया गया, क्योंकि अभी देखिए जो वर्ल्ड में है जियोपॉलिटिकल टसल, रसिया यूक्रेन की जो वार चल रही है वो तो अभी चली रही है। इसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हुआ कि नहीं भाई, इसको जो कि अभी इंक्रीज ही या फिर ज़्यादा ही रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें किया गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। अभी देखिए क्या कि दिल्ली में अभी टसल चल रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली को लेकर के। फिर इसके बाद देखिए कि ट्रायल अतक गगन यान कंडक्टेड, मतलब अभी ये ट्रायल में चल रहा है, आगे आने वाले समय में देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। फिर इसके बाद एक देखिए काफ़ी ही मतलब सरप्राइजिंग, ये देख सकते हैं आप, धुंध सा जैसा बना हुआ है। ये अगर मैं बात करूं कहां का लोकेशन है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में साउदर्न इंडियन पार्ट है, कोस्टल एरिया, वहां पे जनरली होना नहीं चाहिए, बट इस साल स्ट्रॉन्ग साइबेरियन स्ट्रीम की वजह से ये देखने को मिला। साउथ इंडियन या फिर साउथ कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ जाते हैं मोस्टली, जो बोल सकते हो आप ईस्टर्न, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ इंडिया, तो ये सारे काफ़ी मतलब ना कोल्ड सीजन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए, और साइबेरियन स्ट्रॉन्ग विंड से हमने पहले भी डिस्कस किया था ऊटी को लेकर के, वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जो कि टेम्परेचर दोस्तों चला गया था। इसके बाद अगर हम और डिस्कशन करते हैं, तो इसमें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल, हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में देख करके। इसमें देखिए स्टेटस प्रोसीजर ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट, देखिए हम कुछ वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, अभी हम देख लेते हैं, बाद में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो गवर्नमेंट होता है, इसकी पीएससी होती है, पीएससीयू पब्लिक सेक्टर यूनिट इंटरप्राइजेज। तो इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट का मेजोरिटी जो कि शेयर होता है, मतलब 50% के ऊपर होता है, या 51 होता है, या 50, 52, 50 इतना। अब क्या करे जो ये गवर्नमेंट है, ये क्या करे, गवर्नमेंट के शेयर जो है कि पब्लिक सेक्टर से अपना इंक्रीज कर रही है। तो एक तो है गवर्नमेंट ओनर मेजोरिटी में, एक है प्राइवेट हो गया, और एक हो गया ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर के हो गया, जिसमें क्या कहता है प्राइवेटाइजेशन एक वर्ड होता है, दूसरा होता है डिस इन्वेस्टमेंट होता है, और तीसरा जो होता है ना स्ट्रेटजी डिस इन्वेस्टमेंट होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर शेयर है ना वो प्राइवेट हाथ में दे दो, मतलब 51% से ज़्यादा जो है कि प्राइवेट के हाथ में है, लेस देन 50% जो है कि गवर्नमेंट के हाथ में। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, ओनरशिप तो गवर्नमेंट के पास ही होती है मेजॉरिटी शेयर होल्डर, बट उसका ये है ना कुछ शेयर 10% 20% जो है कि प्राइवेट हाथ में दे देती है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है ना सोच समझ के जो है कि ये कदम उठाना चाहिए, कैसे हम जो कि इन्वेस्टमेंट करें जो हमारे कंट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए कोल सेक्टर है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिफेंस सेक्टर इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे करके कुछ स्ट्रेटजी बेस्ड पे जो करना चाहिए, क्योंकि यह प्रोसीजर पिछले साल की जो
इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ था उसको लेकर के ये किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कोलोजियम, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए कोलोजियम अरिजित प्रपोजल फॉर हाई कोर्ट विनय चंद्रा ने फॉर द पटना हाई कोर्ट। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, इनके अपॉइंटमेंट के लिए ना दोस्तों एक कोलोजियम सिस्टम होता है। बहुत दिन से एक टसल चल रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अरबी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में। तो इसमें क्या है कि ये 4 जजों से 5 जजों की बेंच होती है, ये सजेस्ट करती है कुछ व्यक्ति को जो जुडिशरी से एक्सपीरियंस होते हैं गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट ये करती है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो कि अपॉइंट करता है, और ओथ जो है कि हाई कोर्ट के जो है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट का देता है। फिर उसके बाद 1 इंडियन मिसिंग 10 स्ट्रक द क्वेक अफेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इतना किया है, बोला है। फिर उसके बाद डिले ओबीसी रिपोर्ट पैनल फाइनलाइज डिसमेंटल्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे देख सकते हो, जयशंकर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर और फार्मर आईएएफएस ऑफिसर हैं, फॉरेन ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडियन डेवलपिंग बॉर्डर कनेक्टिविटी ड्यू टू चाइना कंसर्न्स। फिर उसके बाद फ्रेश डिमांड रिन्यू लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ के लखनऊ में ये बात अभी चल रही है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो है कि नाम को बदल परिवर्तित किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है कि पार्लियामेंट में बजट सेशन चल रही है दोस्तों, उसमें भी जो राहुल गांधी ने कुछ कमेंट्स किया है उसमें रिस्पांस मांगा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अडानी और मोदी से को रिलेट करके। तो ये पॉलिटिकल इशू है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। आगे हम आते हैं, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे आर्टिकल। आरोग्य सेतु क्या है, आप देखिए ये कोविड के समय जो कि इशू किया गया था, अगर आप अपना हेल्थ चेक करना चाहते हैं प्रोसीजर कुछ तो आप आरोग्य सेतु पे आप अपना जो है कि जो कर दीजिए और उसमें आपको सारी गाइडेंस मिल जाएंगी। फिर वह शिमला लूजिंग द इट वाइट विंटर स्नोफॉल, देखिए शिमला कहाँ पे है, अगर मैं इंडिया का मैप आपके साथ ड्रॉ करूँ, देखिए ये आपका गुजरात का कोस्टल पड़ जाता है, फिर यह भी इंडिया का पड़ जाता है, फिर ये यहाँ पे आते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, ये सिक्किम, फिर यूपी बिहार, और आपका यहीं पे शिमला सिक्किम हिमाचल प्रदेश शिमला पड़ जाता है, सिक्किम मैंने वो सिक्किम इधर पड़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या है कि मोस्टली जो होता है ना दिसंबर जनवरी का ये महीना वहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होती है, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऐसा देखने को इस साल नहीं मिल रहा है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है दोस्तों। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे अपने, देखिए आरबीआई मोदी इट डिमांड अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के, आरबीआई फिर क्यूआर कोड को लेकर के है जैसे अपने डेवलप किया, जैसे हमें अभी क्या करते हैं एटीएम मशीन के पास जाते हैं हमें करेंसी जो कि मिलती है, अगर आप कुछ समय के बाद अगर आप जाएंगे ना तो टोकन मिलेगा 10 रुपये 100 रुपये 500 रुपये का, करेंसी नोट नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर ट्रेवलर फ्रॉम द G20 कैन अप्लाई वाई यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस, ये होता है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अब कुछ है नहीं, बस द हिंदू में इतना ही दोस्तों, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।